Hello guys, I am Adrika Bhadauria from Extra Coding YouTube channel. तो guys, आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाएंगे. तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? After 1 year, principal plus interest पर जो इंटरेस्ट लगता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं. Means इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर बनाने के लिए चलिए कोड लिखते हैं. सबसे पहले हम प्रिंसिपल, रेट और ईयर इनपुट कराएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए. तो प्रिंसिपल इक्वल टू इंट इनपुट एंटर the principal, okay. यहाँ पे rate input कराएंगे, rate equal to int input enter the rate. यहाँ पे ईयर इनपुट कराएंगे, एंटर द ईयर, ओके. हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं. टोटल अमाउंट, इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं. तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100. एक्सपोनेंट ईयर. तो टोटल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम अपना टोटल अमाउंट प्रिंट कराते हैं. टोटल अमाउंट इज ओके. तो ये तो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना वो निकालने के लिए हम करेंगे एफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें पता चल जाएगा. सो लेट्स रन आर कोड. देखिए ये हमसे पूछ रहा है एंटर द प्रिंसिपल. जैसे मैंने इसे दिया 1000, एंटर द रेट मैंने इसे जैसे दिया 5%, एंटर द ईयर फॉर 2 years. तो देखिए टोटल अमाउंट इज 1102 रुपीज़ 50 पैसे एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 102 रुपीज़ 50 पैसे. सो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं. मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द सेशन.